हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं आलू और गोभी की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है, एकदम मसालेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सूखी सब्जी है तो आप इसको टिफ़िन में या फिर लंच बॉक्स में कहीं भी लेकर जा सकती हैं। रोटी पराठा पूड़ी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है, और दाल चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोभी। तो यहाँ पर है फूल गोभी, जिसको मैं धोकर मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट ली हूँ। इसके साथ ही साथ गोभी के जो सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं तो उसे भी मैं यहाँ पर काट ली हूँ। और साथ में है आलू, तो जिनको छीलकर हमें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके अलावा हम लेंगे जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसके बाद एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालकर गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसके बाद इसमें हम आलू, गोभी और गोभी के जो डंठल थे सबको एक साथ डाल देंगे। इसके बाद इसे हमें भूनना है, तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। अब नमक और हल्दी डालकर गोभी और आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक ये दोनों एकदम अच्छे से भून नहीं जाते हैं। तो आंच को हम धीमी रखेंगे और धीमी आंच में इसे हम भूनेंगे। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू और गोभी जो है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरह इनको खुले में भूनते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन कलर के हो गए हैं हल्के से। तो इसके बाद इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू और गोभी जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब चलिए इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई में हम फिर से डालेंगे थोड़ा सा और सरसों का तेल। इसके बाद इसमें हमें डाल देना है बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालकर इसको हमें भूनना है, तो प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक प्याज जो है ये हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। तो इसे भूनने में 2 मिनट का समय तो लग ही जाता है, और 2 मिनट के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज जो है बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालकर इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर अब हम डाल देंगे सभी सूखे मसाले, जैसे कि जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। इसको भी डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब सभी मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से धीमी आंच में भूनना है। गोभी आलू की सब्जी तो आप बहुत बनाते होंगे, लेकिन कभी एक बार इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको इस रेसिपी से प्यार हो जाएगा, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मसाले अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा कप के जितना। इसके बाद पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, और फिर इसको हम ढक देंगे। ढक कर इसको हम 1 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से पक जाए। इसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले में से तेल ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पर जो हमारी फ्राई की हुई आलू और गोभी थी सभी को यहाँ पर हम डाल देंगे। इसके बाद इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए और इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हमें डाल देना है थोड़ा सा टमाटर सॉस, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसके बाद इसे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी चीनी, और साथ ही साथ मैगी का मसाला है मैजिक, इससे जो सब्जी का स्वाद है वो दुगुना हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे कि सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसको हम फिर से ढक कर 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी जो है ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है, जो कि सूखी सब्जी है। दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, दिखने के साथ साथ खाने में भी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही चटपटी है। इस रेसिपी को बच्चे बड़े सभी बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।